संभल से बड़ी खबर, 3,40,000 का सामान लेकर चोर फरार। एक ही रात में 4 घरों को चोरों ने बनाया निशाना। एक ही घर पर किया था हाथ साफ, 3 पर कुमल और ताला तोड़ किया प्रयास। सूचना के 45 मिनट बाद पहुंची डायल 112। थाना बनियाठेर पुलिस घटनास्थल पर मौजूद। एक तरफ ढूंढती रही पुलिस, दूसरी तरफ 3,40,000 रुपए के सामान से किया चौथे घर पर हाथ साफ। थाने से महज 2 किलोमीटर दूरी पर चोरों ने दिया घटना को अंजाम। रात गांव में गश्त लगाने नहीं आई पुलिस। थाना बनियाठेर क्षेत्र के गांव मानकपुर नरौली का मामला। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाली हैं? अच्छा, यहाँ पर क्या मामला हुआ है? ये पता नहीं, हम तो इसमें सो रहे हैं, हम तो सुबह उठे हैं, तो सुबह इसमें तालू ना हो, कुंदा लग रहा हो, तो देखी तो शहरी वाले खुली पड़ी है सबसे ज्यादा, तो पुलिस को वो करिए, फिर दंपते पड़ी है, तो हमने देखी है, तो हमारी कोई इरादा है ना उसमें। कितना सामान चला गया होगा? 2 जोड़ी पजे हुए हैं, एक हार है, एक बेसर और एक टीका और कुंदल और खड़ुआ है, कूले हैं और 2 जोड़ी चैन लड़की की हैं, 3 लड़का की हैं। जिस तरह से बताया जा रहा है शादी का माहौल था, तो कब शादी थी? शादी कल ले रात लेकर आए थी, 30,000 रुपया कल आ गई बारात। अच्छा, ये पुलिस को कोई सूचना वगैरह दी आपने? हाँ दी है, सुबह पुलिस को दी सूचना, तो दिन पहले वो आई, 100 नंबर आए, तो बाद में और आए। कौन से थाने का मामला है? मेरा नाम महेंद्र, मानकपुर की। ये 12 और 1 बजे के बीच में हुआ है पूरा मामला। ये बताया, ये कुमिल लगाया इधर से रात में, और हमारे छोटा भाई और हमारी छोटी बहू यहाँ पे सो रहे थे, और लाइट भागने की लाइट आने के बाद ये मोबाइल लगाने घर में घुसी, तो इनने मुखला देखा लाइट पर ही इनके मुँह पे, तो इनने मुखला देखा कि हाँ का चोरी हो रही है, तो ये उठे, छोटा वाला भाई उठाया, तो ये आप ये दिन मोहल्ला वाले सिगरेट जग गए, मोहल्ला वाले जग गए, तो ये दिन किया मचा के वे धर बजे, तो ये हमने 100 नंबर को फ़ोन किया, 100 नंबर भी आई गई। एक थोड़ी बहुत देर बाद वो बलोरो गाड़ी आ गई, एसओ की, एसओ साहब की वो गाड़ी आ गई, तो हम जंगल की तरफ चले गए, पुलिस वाले जंगल की तरफ चले गए, एसओ साहब भी जंगल की तरफ गए। बस यहाँ ये इसका आइडिया कुछ पता नहीं क्या है लोग की सूचना के, यदि हमने फोन 100 नंबर करा था, यदि 15-20 मिनट बाद पुलिस आ गई। एक ही रात में कितनी जगह घटना निशाना बनाया जाएगा? ये 3 जगह। अंदर का टूटा ना, ये पैर आर का टूटा, जगह 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 हुआ है, ये उन्हें पेशल मालूम दे गए तो चले गए। कितने? 3 जगह हुई है, 3-4 जगह। क्या नाम है आपका? नाम कहाँ के रहने वाले हैं आप? मानकपुर। अच्छा, ये एक चोरी का प्रकरण है, क्या मामला है पूरा? मामला ये है कि आए हैं घूम घाम के, जगह में घूमे हैं खाली जगह में, और कहीं कोई दूसरे आदमी ने फोन करा, फोन करने के बाद में जग गया हूँ, जगने के बाद में तो मैंने बतबता करा, उसके बाद में फिर सब में घूम कर देखा है, मैं लेकर गई। अच्छा, गांव देखे नहीं है? अच्छा, गांव में जो है लगभग कितनी जगह चोरी हुई है एक रात में? अब सब में घूम गांव में जाऊँ, उनका लबीता लगा हुआ, चोरी हुई करी नहीं? कितने घरों को निशाना बनाया है? 4 घरों को निशाना बताया, लगाया होगा नशा ना लगा कहीं लगी तो लग गया। अच्छा, रात क्या पुलिस की दब जो गाड़ी घूमती है वो घूमी थी क्या? पुलिस तो टाइम ना आई है, वो टाइम नहीं है, तो वो तो कौन सा थाना क्षेत्र पड़ता है? बनियाठेर। कितनी दूर होगा बनियाठेर से थाने से? 2-1.5 किलोमीटर है थाने के पीछे जो गाँव है। नहीं नहीं, जब हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। मैं मानकपुर का हूँ, मानकपुर नरौली का। मेरा नाम है बेगराज सिंह। मेरे यहाँ रात चोरी हुई, रात जब मैं उठा 3 बजे टाइम पे, तो यहाँ बिल्ली रो रही थी, मैंने उसे मारा, मैंने इधर ध्यान ना दिया, गेट खुला हुआ है, खुला हुआ ना था, अंदर से लगा हुआ था ताले की तरफ, मैंने ध्यान ना दिया, फिर मैं आके लेट गया। उसके बाद में मुझे नींद आने के बाद में फिर 6 बजे उठा मैं,
तो मैं, मेरी बड़ी बेटी मोबाइल देख रही, मैंने उससे पूछी बेटी क्या टाइम हो गया, तो उसने 6:00 बजे हैं। तो मैं उठा तो मैं घर पर जाए थी, उसने घर देखा तो 57 दिखा पड़ा था। कल मैं लेकर आया था सुनार से टीका, सोने का हार, सोने का कुंडल कल लेकर आया था मैं, और वो भी मैंने उसी में रख दिए। दो चैन थी बेटी की बड़ी वाली की, और दो पाजामे मोटी मोटी थी घर वाली की, तूला था, खड़ुआ, अंगूठी, और बाकी टूटी फूटी चांदी ही 250-300 ग्राम चांदी अलग रखी थी, वो भी उसमें थी। 30,000 रुपये मैंने घर पे काम चल लिया, मैंने अपने रख दिए यहाँ पे, इनकी लेबर के साथ आगे होता है वो थे। 10,000 रुपये अलग घर वाली पे थे, 40,000 नगद चला गया, बाकी 3 लाख के जेवर चला गया हमारा। उसके बाद में हमने जैसे ही फ़ोन कराया 100 नंबर को, 100 नंबर से उधर से फिर पुलिस आई, उन्होंने आकर जैसे जांच करी, बस ये थी। मतलब मैंने तो मुझे पता नहीं, गांव में पुलिस घूम रही है। रात 3 बजे के टाइम पे, वो 2 बजे के टाइम पे उधर यादवों में दिनेश सनोप नरपत उनके यहाँ पे कूमन लगाया, जहाँ कूमन लगाया वहाँ पे उनकी बेड की पाया आ गया, तो वहाँ पे आहट हो गई, वो लोग जग गए। उन्होंने ईखे फीके सब, मतलब पूरा गांव, 50-60 आदमी गांव की तरफ जंगल तरफ दौड़े भी है। पुलिस को सूचना दी, पुलिस भी आई, पुलिस सब में घूमी, लेकिन हमारे कोई आहट नहीं मान पड़ी। गाँव में क्या क्या मतलब हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हमें नींद आ गई, हमें कुछ नहीं पता। हमने सुबह सुना कर जहाँ जहाँ मतलब इस तरह की घटना हुई है। ये हमारे यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर थाना बनी ठहर है, गाँव मानपुर नरौली।